भाई देख रहे हो ये वड़ा पाव है, और इसमें देखो कितने लोग कैसे जाएंगे भाई। तो भाई मेरे को चारों तरफ से दाब दिए भाई उसी मेरे को बोल। तो अभी हम पंप पे जुगाड़ लगा रहे हैं कि हमें पंप पे पैसे मिल जाए कैश। पेट्रोल डलाते तो शायद थोड़ा सा उम्मीद थी नहीं। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल अंकित कर ब्रो। स्वागत है वापस से हमारे एक और नई वीडियो में। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस अभी हम और राहुल भाई निकल गए हैं फिर से हम राहुल भाई के गांव से। तो राहुल भाई के जो कौन सा जगह है राहुल भाई, ये ये स्टैंड है मतलब ग्राम पंचायत सरवड़े का। तो अभी हम लोग यहाँ पे आके रुके हैं और यहाँ से अभी बस का वेट कर रहे हैं। तो बस अभी मिलेगी तो फिर अभी हम लोग निकल जाएं। मैं परसों आया था, कल तो बहुत सारी मस्ती हुई, तो आज हम लोग निकल गए हैं। देखते हैं कब तक बस आती है। बारिश तो अभी धीरे धीरे चालू है, वैसे तो थोड़ा सा धूप के जैसे दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो धूप का ना ही भरोसा करे तो अच्छा है ना। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कितना देर में बस आता है, उसके बाद निकलते हैं भाई। वहाँ भी हमारे भाई लोग वेट कर रहे हैं। देखो बारिश का माहौल कैसा बन रहा है धीरे धीरे। तो ये है राहुल भाई का गांव, जो यहाँ से सीधा अंदर जाएंगे। तो भाई लोग मेरे को ना मेरा गांव याद आ रहा है। हमको एक घंटे हो गए इस स्टैंड पे राहुल भाई के खड़े हुए हुए यहाँ पे। अभी भी देखो बस का कोई आता पता नहीं है। तो हमको भाई हमारा गांव याद आने लगा है। हमारे गांव में ऐसे ही होता है भाई, बस एक एक घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे वेट कराती है, कब आएगी अभी पता नहीं है। तो भाई साहब हम लोग सिर्फ बस नजरें गड़ाए बैठे हैं कि हमारी बस कब आए कब आए कब आए। तो देखो भाई कब आती है। तो दोस्तों हमारी नज़रें जो है कि जवाब देने लगी है यहाँ पे। दोस्तों एक घंटे से डेढ़ घंटे हो गया, लेकिन बस का कोई आता पता नहीं है कि हमारी बस कहाँ है। अब हम आपसे क्या ही बताएं कि बस हमारी कहाँ पे है, हमें कब छोड़ेगी। दोस्तों एकदम बिल्कुल नज़रें हमारी जो है कि बंद होने लगी है, देखते देखते ऐसे ऐसे कैसे कैसे हम देखें हमें समझ नहीं आ रहा है। तो बताइए इतना बड़ा चौराहा, इतना बड़ा ये जगह, फिर भी बस का कोई आता पता नहीं। इतने सारे लोग, इतना सारा बड़ा ग्राम पंचायत सरवड़े, राहुल भाई का सरवड़े सरवड़े सरवड़े। और अभी हम लोग यहीं पे वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब तक हमारा बस आएगा और हमें ले जाएगा। देख रहे हो ये वड़ा पाव है, और इसमें देखो कितने लोग कैसे जाएंगे भाई। नहीं बैठेंगे तो फिर इधर ही रह जाएंगे। तो भाई इस आगे का कंडीशन देखो, हम लोग रात में आगे कितने लोग बैठे हैं, पांच लोग आई थिंक, पांच लोग। ये कंडीशन देख सकते हैं कि मतलब हम लोग दो घंटे से ऊपर हो गए हम लोगों के यहाँ पे वेट करते करते बस का, बट बस नहीं आई भाई। तो अभी हम लोग कैसे भी एडजस्ट करके जा रहे हैं, आगे से हमें बस मिल जाएगी आराम से, जाना था नहीं तो ऐसे हम लोग ऐसे ही रुक जाते फिर। तो भाई अब जाके हम लोग उतरे हैं यहाँ पे, और अभी हम लोग को वहाँ से मिलेगी बस। तो अभी हम लोग डायरेक्ट यहाँ से अब मिलेगी कोल्हापुर के लिए, तो हम लोग अब आराम से जा सकते हैं। तो राहुल भाई अभी पैसे दे रहे हैं। देखो तो इसमें हम लोग जानते हैं कितने लोग आए, 15 लोग भाई। अब हाँ आप दिमाग लगा सकते हैं, छोटी सी गाड़ी में 15 लोग आए भाई। अभी इधर भी क्या हुआ बस के लिए, इस पे हमें गाने गाने का दिल कर रहा है। अब नहीं मैं आऊंगा ये राहुल तुरे गाँव रे। तीन घंटे नहीं बैठ कर इधर से मिलेगी। तो भाई परसों दिन हम लोग यहीं से उतरे थे, और ऐसे 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 घूम घूम के हम लोग गए थे, तो बहुत जल्दी जल्दी मिल गया था सब।
तभी भी उस दिन भी लेट हुआ था हम लोगों को, लेकिन आज तो जो हुआ ना भाई हम भूल नहीं पाएंगे। भाई देखो बच रहे हैं राहुल भाई, बच रहे हैं इसलिए कि भाई ढाई घंटे लग गए भाई हमको वहाँ पे वेट करते करते। भाई कौन इतना देर तक वेट करता है स्टैंड पे भाई। तो अभी यहाँ से हम लोग देखो सब लोग खड़े हैं मामा उमा बस के लिए। आ गए हम लोग कोल्हापुर डेढ़ घंटे सफ़र करने के बाद। भाई मेरे को तो इतना नींद आ रही थी भाई ना, मैं आपसे क्या ही कहूँ। तो अभी देखो अभी यात्रीगण सब लोग उतर रहे हैं और यहाँ से अभी हम लोग फिर से एक बस पकड़ेंगे जयसिंहपुर के लिए। भाई साहब इतना भीड़ है ना, इतना भीड़। हम बस से अभी निकल रहे हैं, राहुल भाई निकल गए थे, मैं निकल रहा हूँ, मेरे मैं ही लास्ट बचा था। तो भाई मेरे को चारों तरफ से दाब दिए भाई, मेरे को बोलना पड़ रहा है भाई रुको ज़रा रुको ज़रा। तो अभी हम आगे से पकड़ेंगे उस साइड से, उधर लगेगी सांगली की बस। तो सांगली के लिए हम लोग यहाँ से जाएंगे। लास्ट वाला है ये है हमारा स्टेप, यहाँ से हम लोगों को मिलेगी सांगली। चलो गाइस एटलीस्ट यहाँ पे हमें वेट तो नहीं करना पड़ा ज़्यादा। और जब आए जैसे ही आया वैसे हमारी बस खड़ी थी और मिल भी गई, तो बस हम निकल गए और हमें एक घंटे लगेंगे हमारे। तो भाई हम लोग उतर रहे हैं अभी चिकू काटा से थोड़ी देर आगे। कौन सा क्या मस्त जगह राहुल भाई, आपका मैं यार तारीफ करना बनता है यार सच में। मुझे लगा ना देखो स्टॉप पे ना रोक के भाई हम लोग को जहाँ पे आना था ना वहाँ पे बस रुका भाई, ये हम लोग के लिए एकदम चार चांद लग गया। पता है हमको ATM पे जाना था गाइस, और अभी हम लोगों का जो स्टॉप था रुकने का वो आगे उतर रहे थे तो कम से कम 1 किलोमीटर दूर है ना, और हम लोग भाई अच्छा जगह उतर गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हमको ज़रा बैलेंस निकालना है इधर, मैं बैलेंस निकालता हूँ उसके बाद चलता हूँ भाई यहाँ से। तो भाई पोपट हो गया और यहाँ पे देखो बैलेंस ही नहीं है भाई, उस ATM में बैलेंस ही नहीं है। अभी क्या किया जाए, मैं अभी सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक बार दिमाग लगाता हूँ थोड़ा पैसे दे के, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा है ना। पहले तो चाय पीते हैं उसके बाद धीरे से सेटी आते हैं कि जनता है कि नहीं, दे देंगे तो थोड़ा सा पैसे एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा है ना। नहीं इस दुकान पे हमें मिला नहीं भाई, तो अभी हम पंप पे जुगाड़ लगा रहे हैं कि हमें पंप पे पैसे मिल जाए कैश। चलो राहुल भाई तो देखते हैं यार, यार उम्मीद है मिल जाना चाहिए लेकिन हमको लगता है नहीं भी 50-50 मान के चल रहे हैं कि 50-50 मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। आ जाओ भाई। तो भाई लोग हमारा हो गया पोपट, यहाँ पे कट गया जैसे कटता है ना वैसे ही कट गया हम लोगों का, यहाँ पे नहीं मिला भाई पैसे। पेट्रोल डलाते तो शायद थोड़ा सा उम्मीद थी, नहीं पेट्रोल डलाना यार। डब्बा लेकर आए होते राहुल भाई 1 लीटर का डब्बा लेकर आए होते, उसमें 1 लीटर ले लेते फिर पैसे एक्स्ट्रा थोड़ा भेज के फिर हम लोगों को पैसे मिल जाता, लेकिन हम लोगों के पास गाड़ी नहीं थी इसलिए नहीं मिला है। क्या किया जाए, अब हम चलते हैं कुछ जुगाड़ लगाते हैं, देखते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। क्या जुगाड़ लगाएंगे भाई साहब? तो दोस्तों तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं अपने रूम में और मैं अभी शूट कर रहा हूँ 8:30 बजे, सही कर रहा हूँ ना? देखो बताइए
सही बात है, 8 बजे था, सॉरी। तो गाड़ी से आने के बाद हम क्या हुआ, सो गए थे। तो मैं अभी क्या हुआ, मैं फ्रेश व्रेश होके मैंने सोचा यार वीडियो की कर देता हूँ एंड। तो भाई आज तो आप लोगों ने देखा ही कि काफ़ी मैंने भाई मुशक्क़त करने के बाद हमें वड़ाप मिला, वड़ाप यहाँ बोलते हैं जिसमें हम बैठ के आए, उसके बाद बस मिला, बहुत सारी चीज़ें आज हुई भाई। तो ये फील हमें आज जो फील हुआ ना, वो हमारे गांव वाला फील हुआ, हमारे गांव में ऐसे ही होता है भाई, हम बिल्कुल प्रॉपर गांव के रहने वाले हैं। तो भाई गांव खेड़ों में ऐसे ही होता है कि थोड़ा बस का करना पड़ता है बेट। जब ज़िंदगी में ना हम स्ट्रगल करते हैं लाइफ में ना, तो बहुत सारी चीज़ें सीख देती है, तो हर चीज़ों से हमें सीख लेना चाहिए, नहीं राम बेचार, हर चीज़ों से सीखना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो हमारे चैनल का 1000 सब्सक्राइबर यानी 4000 वॉच टाइम कंप्लीट कराएं, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आए। देखो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि मैं 1.5 साल से मेहनत कर रहा हूँ और मेरा हक बनता है कि मैं आपसे ये बातें कह पाऊँ, ठीक है। ओके बाय बाय, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, खुश रहें और देखते रहें अंकित कब्रो, ज़्यादा बातें ना करके, बस बाय बाय।